हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर हम सॉल्यूशन की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे। और एक बच्चे की जो प्रॉब्लम थी, एक पीछे हमने कंसंट्रेशन मेथड को फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमने जब डेफिनेशन लिखने के बाद तो उसका जो हमने एक्चुअल मीनिंग बता रहे थे कि जब आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा तो क्या आएगा, तो उसमें एक लिटल सी मिस्टेक है, तो वो आपको करेक्शन करनी है। शिव की स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आई थी, शिव को ये डाउट था कि ऐसे कैसे लिख दिया, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो देखिए वो क्या था बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पास मोलरिटी थी, और मोलरिटी में मैंने बोला था कि जो आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 0.25 m, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 0.25 moles ऑफ सोल्यूट, 0.25 mole ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 liter सोल्यूशन। वहां पे सॉल्वेंट लिखा गया है, ए जो है सॉल्वेंट हमने कंसीडर किया गया था वो लिखा गया, तो वो आपका एक छोटी सी करेक्शन करनी। इसका मतलब ये है 0.25 मोलर या 0.25 कैपिटल M, इसका मतलब यही है कि 0.25 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ। ये टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में से है, और आज हमें पढ़ना है किसके बारे में, हेनरीज लॉ के बारे में। ये जो हेनरी है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने भी एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था कि प्रेशर के साथ किस प्रकार से सॉल्युबिलिटी में चेंज आता है, ज़्यादा डिजोल्व होती है, कम डिजोल्व होती है। तो उस लॉ के अंदर या उस स्टेटमेंट को हमने बोल दिया हेनरीज लॉ। ये प्रेशर बढ़ाने के साथ किस प्रकार का वेरिएशंस आएगा, चलिए स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ गैस डिजोल्ड इन लिक्विड, मास ऑफ ए गैस डिजोल्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर दिस सॉल्यूशन। आप मान लीजिए अब एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमने ले रखा है लिक्विड, यहाँ पे क्या रखा है हमने, लिक्विड ले रखा, और यहाँ आपके पास इसके ऊपर मैंने कुछ अमाउंट में क्या डाल दिया, यहाँ पे गैस डाल दी। अब इसके ऊपर अगर हमें एक पिस्टन लगा दें और इस पिस्टन को हम नीचे की तरफ प्रेस करें, यानी हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे ये पिस्टन नीचे आएगा, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में डिजोल होना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। इसका मतलब हेनरी ने कहा कि एक्सटर्नल जो आप प्रेशर लगा रहे हो, ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतनी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली अगर लिखना हो हमें तो मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है? मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक साइंटिस्ट जिसका नाम सुना होगा डाल्टन, उन्होंने डाल्टन ने कुछ कंक्लूजन निकाला, और उन्होंने ये देखा कि जो आप सोल्यूबल करवा रहे हो, तो ये जो आपके पास सोल्युबिलिटी है वो एक फंक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन का, वो एक फंक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो उनके हिसाब से क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्ड इन लिक्विड, डिजोल्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो वैसे देखें तो ये बात सही भी है। सही कैसे है कि हम ये जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी कंपोनेंट का, वो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ मोल्स होता है वो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से पता। यानी कहने का मतलब, अगर हमारे पास जो गिवन मास है अगर उसको हम चेंज कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। अगर मास इंक्रीज करूंगा नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। तो m की जगह पर यहाँ x भी आ सकता था। बाद में जो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म हेनरी की वो क्या है, ठीक है? तो जो हेनरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में लिख के आनी। फिर डाल्टन के बाद कुछ ना कुछ इसमें भी हेनरी ने परिवर्तन करने की सोची। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम में यही डेफिनेशन लिख के आनी। तो ये डेफिनेशन क्या है, बाद में मॉडिफाई करने के बाद ये कहते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इस बात का ध्यान रखना टेम्परेचर तो आपको कॉन्स्टेंट ही रखना पड़ेगा। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सॉरी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिजोल्ड इन लिक्विड या आप ऐसा लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये यहाँ पे थोड़ा सा ना बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है तो मैं ही लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं P पार्शियल प्रेशर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे हम प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉन्स्टेंट kH, तो वेयर kH इज हेनरी कॉन्स्टेंट, kH इज हेनरी कॉन्स्टेंट, kH है वो क्या रहने वाला है आपके पास, हेनरी कॉन्स्टेंट रहने वाला है। अब आप ये कहोगे ये कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की भी तो काफी करेक्टरिस्टिक्स होती है, उन करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है, ये जो हेनरी कांस्टेंट है वो अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच, डिफरेंट वैल्यू होगी किसकी, केएच की, डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, ठीक, वो भी किस पे, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आप कोई वैल्यू देख रहे हो, जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस की KH की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करो और ऑक्सीजन की 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करो, आपको क्या मिलेगी, ये दोनों जो वैल्यू है KH की वो क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। टेम्परेचर देखो सेम है, 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपने गैस ही चेंज किया है और आपके पास उसकी केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच होती है। इसका मतलब केएच की जो वैल्यू है वो केएच की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। सो द वैल्यू ऑफ केएच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी, इस बात का ध्यान रखना।
अलग अलग गैस के लिए अलग अलग। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, हायर दी वैल्यू ऑफ गैस, हायर दी वैल्यू ऑफ गैस, लोअर दी सोलिबिलिटी, ये फिर यहां आकर खराब, लोअर दी सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उतना ही आपकी जो सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो क्या होगी आपके पास है लो। तो हायर द वैल्यू ऑफ गैस, लोअर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। क्यों? अब देखिए, आप हमने एक रिलेशन अभी देखा है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू एक्स होता है। अब हम क्या करेंगे, इस के एच को इधर ले आएंगे, दूसरी साइड अब लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में, यानी कहने का मतलब है एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप हो गया किसके, के एच के। या मैं ये कहूं देखो एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन के एच, अगर यहां पर मैं के एच की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज। और ये एक्स कौन सा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्ड इन लिक्विड, जो गैस लिक्विड में डिजोल्व हो चुकी है उसका मोल फ्रैक्शन। तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन का कम होने का मतलब उसके जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हमारा टॉपिक रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, ये पूरा टॉपिक ही आपका काम इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे कुछ आपके सीबीएसई एग्जाम से आप पेपर दे रहे हो, बोर्ड आपका चाहे कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन आती है टू इंक्रीज दी सोलिबिलिटी ऑफ, टू इंक्रीज दी सोलिबिलिटी ऑफ सीओ टू इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर बॉटल्स। आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हैं, सोडा वाटर लिख सकते हैं, ओनली प्योर वाटर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सोडा वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है और दूसरी कौन सी आपकी, सोडा वाटर की जो बोतल होती है उनको सॉलिबिलिटी ऑफ सीओ टू इंक्रीज करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? तो हम बोतल को, बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर बोतल को क्या करेंगे, सील करेंगे, क्योंकि जब प्रेशर हाई नहीं होगा तो फिर आपके पास सोलिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने ये बात तो बोली थी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डिजोल्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर पर सील करोगे तो गैस जो है वो ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी, तो सीओ टू जो है वो ज्यादा डिजोल्व, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन देखिए, इन द लंग्स, इन द लंग्स जो फेफड़े होते हैं वहां पर प्रेशर इज हाई, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि लंग्स का तो काम यही होता है पंपिंग करना, तो वहां पे प्रेशर हाई होता है। तो जब आप रेस्पिरेशन सिस्टम के दौरान जब आप ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो डिजोल्व हो जाती है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन हीमोग्लोबिन, किसमें डिजोल्व हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी एंड फॉर्म ऑक्जी हीमोग्लोबिन, और क्या बना लेगा ये, ऑक्जी हीमो हीमोग्लोबिन, ठीक। नाउ ऑक्जी हीमोग्लोबिन, ऑक्जी हीमोग्लोबिन मूव
विद ब्लड एंड रीच